90% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको अपना कंप्यूटर चलाने के लिए माउस की ज़रूरत होती है और उनको एक्सपर्ट्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड से पूरे सिस्टम को कैसे चलाते हैं। ये कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं, चाहे वो फंक्शन की हों, चाहे वो नेविगेशन की हों, चाहे वो स्क्रॉल कीज़ हों, आपको उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं इन सभी कीज़ के बारे में? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गैजेट स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपको लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो यहां हम जानने वाले हैं कीबोर्ड के जितने भी शॉर्टकट्स हैं जिनसे आप अपने पूरे कंप्यूटर को चला सकते हैं, जैसे फंक्शंस कीज़ क्या होती हैं, नेविगेशन कीज़ क्या होती हैं, इसके अलावा और भी ढेर सारी कीज़ जिनके बारे में अभी तक आपको नहीं पता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने कीबोर्ड को गौर से देखेंगे तो आपके कीबोर्ड की जो एरो की हैं उनके ठीक ऊपर ये छह नेविगेशन और एडिटिंग कीज़ का एक कॉम्बो होता है। तो यहाँ पर ये जो आपको दो की दिखाई दे रहे हैं, इंसर्ट और डिलीट, ये एडिटिंग की बोली जाती हैं, और ये जो चार की हैं यानी होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन, ये नेविगेशन की बोली जाती हैं। इसके अलावा और भी नेविगेशन कीज़ होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो कॉम्बो है ये बहुत प्रोफेशनल काम करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप इन कीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं इंसर्ट की के बारे में। इंसर्ट की के इस्तेमाल से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब आप एमएस वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसर में टाइपिंग करते हैं तो वो दो मोड में टाइपिंग होती है, पहली इंसर्ट मोड में और दूसरी ओवर टाइप मोड में। अब ये इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो शब्द लिखा है द गैलरीज, इसके बीच में आपको कोई शब्द इनपुट कराना है या एंटर करना है, तो आप सिंपल माउस का कर्सर वहाँ पर ले जाएंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पर वो शब्द टाइप कर देंगे। तो ये जो मोड हुआ ये हुआ इंसर्ट मोड, जिसमें आप किसी शब्द के बीच में कोई शब्द लगाते हैं और वो जो आगे के या पीछे के शब्द होते हैं वहाँ पे बीच में गैप बन जाता है और आप अपना कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर आराम से बीच में इंसर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं ओवर टाइप मोड की। तो ये जो मोड होता है इसमें आप शब्द नहीं हटा सकते, आप जो कुछ भी टाइपिंग करेंगे आपके ऊपर वाले शब्दों के ऊपर होता जाएगा। मान लीजिए आपको बिग की जगह कुछ और यहाँ पर लिखना हो, तो आमतौर पर आप क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कोई भी शब्द यहां पर टाइप करेंगे। लेकिन जब हम ओवर टाइप मोड को यहां पर एक्टिवेट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ओवर टाइप मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है ऑफिस बटन पर, और यहां जाना है आपको वर्ड ऑप्शन में, यहां पर आपको जाना है एडवांस में, और यहां आपको मिलेगा ऑप्शन यूज द इंसर्ट की थ्रू कंट्रोल ओवर टाइप मोड, और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओवर टाइप मोड का। तो यहां पर आपको सिर्फ एक टिक लगानी है, जैसे आप इंसर्ट की को प्रेस करेंगे तो ओवर टाइप मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए बिग की जगह हमें कुछ और लिखना था, तो हम सिर्फ इंसर्ट बटन को प्रेस करेंगे, और जैसे ही आप इंसर्ट प्रेस करेंगे तो नीचे आप गौर से देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट की जगह ओवर टाइप मोड एक्टिवेट हो जाएगा, और जब भी आप कोई नया शब्द लिखेंगे तो वो इसके ऊपर टाइप होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो बिग था वो अपने आप हट गया है। इसके अलावा जब भी आप कुछ भी टाइप करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, तो आगे वाले जो सारे शब्द हैं वो हटते चले जाएंगे और उसकी जगह नए शब्द टाइप होते जाएंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब बस अगर आपको ये मोड से बाहर निकलना है, आना है इंसर्ट मोड पे, तो सिंपल इंसर्ट को टैप कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नए शब्द हैं वो इंसर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन पुराने शब्द ही उस जगह पर बचे हुए हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉपी और पेस्ट भी आप इंसर्ट बटन से कर सकते हैं, तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंसर्ट के बटन से कॉपी और पेस्ट कमांड भी काम करती है। अभी तक आपको कॉपी और पेस्ट की सिर्फ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पता होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आज एक नई कमांड बताने वाला हूँ जिससे आप कॉपी और पेस्ट कर पाएंगे, और ये कमांड जुड़ी हुई है इंसर्ट बटन से। तो सिंपल जिस भी शब्द को आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल इंसर्ट का बटन दबाइए। तो कंट्रोल इंसर्ट एक ऐसी कमांड है जिससे आप किसी भी शब्द को कॉपी कर सकते हैं, और इसके बाद अगर इसे पेस्ट करना है तो शिफ्ट और इंसर्ट का बटन प्रेस कीजिए, तो ये जो कमांड है वो कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी करती है और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट करती है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी काम आ जाए। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉपी और पेस्ट की क्या और भी कोई कमांड है, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं होम की। होम का मतलब होता है घर।
तो अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा होम होता है पहला पेज, या आपकी लाइन का जो पहला शब्द होता है उसके आगे वाला हिस्सा। तो यहाँ पर होम की का इस्तेमाल किस किस तरीक़ों से किया जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फाइल है इसमें हमने टोटल 4 पेज यहाँ पर टाइप किए हुए हैं अगर आप देखें तो। अब मान लीजिए हम चौथे नंबर पेज पर हैं और हमें सबसे पहले वाले पेज पर पहुंचना है, तो हम कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करेंगे और एक ही बार में हम पहले पेज के पहले पैराग्राफ पर पहुंच जाएंगे सबसे स्टार्टिंग में। अब मान लीजिए अगर आप किसी लाइन के पीछे हैं तब आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी बटन नहीं दबाना है, आपको सिर्फ होम प्रेस करना है और आप झट से उस लाइन के आगे आ जाएंगे। तो ये हो गया होम का दूसरा इस्तेमाल। अब मान लीजिए आपका कर्सर इस लाइन के पीछे रखा हुआ है और आपको ये लाइन पूरी सेलेक्ट करनी है, तो आप बस अपने शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और होम की को दबाइए, तो आप देखेंगे एक बार में ही ये जो पूरी लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं होम की चौथी कमांड के बारे में। मान लीजिए आपका जो कर्सर है वो इस पैराग्राफ के नीचे है या इस डॉक्यूमेंट के किसी भी पैराग्राफ के नीचे है, अब आपको इससे ऊपर का जो सारा मैटर है, जो सारा टेक्स्ट है, वो एक बार में ही सेलेक्ट करना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इसे यहाँ रख लेते हैं। अब इससे ऊपर का आपको सारा मैटर सेलेक्ट करना है तो आपको सिंपल प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और होम, तो आप देखेंगे एक बार में ही जो पैराग्राफ है जहाँ पर हमारा कर्सर था पीछे, उससे ऊपर का जो जितना भी मैटर है वो सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह से अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है mybiggadget.com, और आप इसके सबसे नीचे वाले पेज पर हैं, यहाँ पर हैं और आपको एकदम से ऊपर जाना है और यहाँ पर ऐसा कोई बटन भी नहीं है जिससे आप ऊपर चले जाएं, तो सिंपल आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है होम और आप एक ही बार में जो साइट का टॉप एरिया है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं एंड बटन की, तो जो एंड बटन है वो बिल्कुल होम की का उल्टा है। अगर होम से आप आगे जाते हैं तो एंड से आप पीछे आते हैं, और ये जो चारों कीज़ हैं एंड की वो सेम होम की उल्टी काम करती हैं। यानी अगर मैं लाइन के आगे हूँ और अगर मैं एंड बटन को प्रेस करूँगा तो लाइन के पीछे आ जाऊँगा एक ही बार में, और अगर यहाँ से मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन का इस्तेमाल करूँगा तो सबसे लास्ट वाले पेज पर पहुँच जाऊँगा आपके डॉक्यूमेंट में, जो भी लास्ट पेज होगा। और अगर आप शिफ्ट और कंट्रोल के साथ एंड बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, अगर आप पहले पैराग्राफ पर हैं तो ये लास्ट तक अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर लाइन के आगे आपका कर्सर है और आप शिफ्ट के साथ एंड दबाते हैं तो आपकी जो पूरी लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप वेब पेज पर हैं और आपको वेब पेज के नीचे जाना है तो आप एंड को प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर आप वेब पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे, चाहे वो वेब पेज कितना भी बड़ा हो। अब यहीं पर बात कर लेते हैं पेज अप और पेज डाउन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक वेबसाइट है और अगर आपको इसको स्क्रॉल करना है बिना माउस के तो आप बस पेज अप को प्रेस कीजिए। अगर आप वेबसाइट के नीचे हैं तो ये साइट कुछ इस तरीके से स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप ऊपर से नीचे आना चाहते हैं तो पेज डाउन को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ये जो वेब पेज है ये आपका नीचे की तरफ स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर बात करें एमएस वर्ड में पेज अप और पेज डाउन कैसे काम करती हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एरिया हमें ऊपर दिखाई दे रहा है इस पेज का, तो अगर आप इस एरिया में हैं और आपका कर्सर कहीं भी है और आपको पेज का नीचे वाला हिस्सा देखना है तो बस आप पेज डाउन को प्रेस कीजिए, तो आपको एक ही बार में पेज के नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा। इससे कर्सर का कोई लेना देना नहीं होता है, कर्सर आपका कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ नीचे से पेज देखना है तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। अगली बार जब आप पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आपको अगले पेज का ऊपर वाला भाग दिखाई देगा, और उसके अगले बार जब आप इसे प्रेस करेंगे तो इस पेज का निचला वाला जो हिस्सा है वो दिखाई देगा। कंट्रोल के साथ पेज डाउन को जब आप प्रेस करेंगे तो अगले पेज पर आप सीधे सीधे पहुँच जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए अभी हम पहले पेज पर हैं और जैसे हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे तो हम दूसरे पेज के पहले पैराग्राफ पर आ जाएंगे, इसके बाद हम दोबारा प्रेस करेंगे तो तीसरे पेज के पहले पैराग्राफ पर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है पेज डाउन बटन आपके वर्ड प्रोसेसर में, और अगर आप पेज अप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में तो आप उसी तरीके से ऊपर चलते हुए जाएंगे। तो इसके बाद बचता है हमारा डिलीट बटन, तो ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमएस वर्ड में आप बैकस्पेस और डिलीट का यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को एडिट करने के लिए। एडिट कैसे करते हैं, अगर आपका कर्सर किसी शब्द के आगे है, जैसे यहाँ पर गैलरीज के आगे जो कर्सर है और आपको गैलरीज को हटाना है तो आप डिलीट बटन को प्रेस कीजिए, तो ये एक एक लेटर करके इस शब्द को पूरा हटा देगा, ना कि एक साथ में। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल डिलीट तो जो पूरा वर्ड है वो एक साथ में हट जाएगा। तो यहाँ पर आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, अब आप आइटम पर गौर कीजिएगा कंट्रोल डिलीट, तो आप देखिए आइटम शब्द चला गया, कंट्रोल डिलीट यहाँ पर देखिए कि दैट भी चला गया। तो कुछ इस तरीके से डिलीट बटन काम करता है। तो आशा है अपन 6 बटनों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं, और आगे से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अब इन्हीं कीज़ के ठीक ऊपर 3 कीज़ और दी गई होती हैं, पहली प्रिंट स्क्रीन, दूसरी स्क्रॉल लॉक और तीसरी पॉज ब्रेक। आइए जानते हैं ये कीज़ किस तरह से काम करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट स्क्रीन की ये क्या करती है। ये बहुत ही मैजिकल की है, ये बिना किसी सॉफ्टवेयर के अगर आपको अपने स्क्रीन कैप्चर करनी है या स्नैपशॉट लेना है तो बस आप एक बार प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस कीजिए,
फिर एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए और या एमएस पेंट को ओपन कर लीजिए, नए पेज पर जाइए और बस कंट्रोल वी को प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे जो भी स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर भी डिस्प्ले हो रही होगी वो आपकी कैप्चर होकर आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन आपने अभी कैप्चर की है इसे आप एमएस पेंट में ओपन कर पाएँ, तो बस आप एमएस पेंट ओपन कर लीजिए और वहाँ पर जाकर आप सिंपल कंट्रोल वी या इसको पेस्ट कर दीजिए, तो आपको यहाँ एमएस पेंट में ये जो स्क्रीन है वो मिल जाएगी। इसे आप यहाँ से बड़े आराम से क्रॉप कर सकते हैं या यहाँ पर कोई पेंट आप कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमएस एक्सेल में भी प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल की है और बहुत कम लोग जानते हैं विंडोज़ में इस की के इस्तेमाल को, या बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के नोट्स भी तैयार करने हैं तो भी आप प्रिंट स्क्रीन की सहायता से एक एक करके स्नैपशॉट लेते जाइए किसी भी काम को करते समय और वो नोट्स तैयार करते जाइए। अब आप कहेंगे कि इसे क्रॉप कैसे करेंगे, तो जब आप एमएस वर्ड में किसी भी पिक्चर को लेके जाते हैं तो क्लिक करते ही ऊपर फॉर्मेट का बटन आ जाता है, वहाँ पर आपको मिलता है क्रॉप का ऑप्शन। जैसे ही आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नोट्स आ जाएंगे और आपको जो भी एरिया यहाँ से निकालना हो आप उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में बड़े आराम से उसे जूम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल की है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं स्क्रॉल लॉक की के बारे में। तो कंप्यूटर में आप किसी भी पेज को या वेब पेज को स्क्रॉल करने के लिए अपने माउस के स्क्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं, जो वहाँ पर माउस व्हील होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पुराने ज़माने में माउस नहीं था तब इस्तेमाल किया जाता था स्क्रॉल लॉक का, और स्क्रॉल लॉक दबाने के बाद में आप अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन कीज से बड़े आराम से स्क्रॉल कर सकते थे। लेकिन अब स्क्रॉल लॉक की क्या ज़रूरत पड़ी है, ये क्यों दिया गया है आपके कीबोर्ड में बटन? तो मैं बता दूं कि एमएस एक्सेल में काम करते समय आप स्क्रॉल लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस वर्ड में ही तो ये वर्क नहीं करता है लेकिन एक्सेल में ज़रूर वर्क करता है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल बना देते हैं और इसको यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं और यहाँ पर हमने कुछ लिखा। आमतौर पर जब आप एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर आपका कुछ इस तरीके से चलता है, लेकिन अगर आप नीचे देखना चाहें तो आपको जो कर्सर है वो नीचे ले जाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो सेल सिलेक्शन है वो वहीं की वहीं रहे, तो आप सिंपल स्क्रॉल लॉक को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद में एरो की से अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो सेल सिलेक्शन है वो वहीं पर है और जो स्क्रॉल है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो एमएस एक्सेल में इस तरीके से स्क्रॉल लॉक जो की है वो काम करती है, और इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। और अब बात करते हैं अपनी तीसरी की पॉज ब्रेक के बारे में। ये कीज़ भी बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही है, यानी जब से कीबोर्ड बना है तब से ये की कीबोर्ड पर है। उस समय भी माउस नहीं हुआ करता था और आपका जो इंटरफेस था वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं हुआ करता था। बहुत सारे लोग डॉस में काम करते थे, जब प्रोग्रामिंग वाले लोग प्रोग्रामिंग में काम करते थे, और उस समय अगर किसी प्रोग्राम को रोकना है और तब काम आती थी पॉज ब्रेक। लेकिन अब पॉज ब्रेक आपके कीबोर्ड में क्यों दी गई है? लेकिन अभी भी ढेर सारे प्रोग्राम और गेम्स ऐसे हैं जहां पर पॉज ब्रेक की काम आती है। उदाहरण के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम है वहां पर पॉज ब्रेक की इस्तेमाल की जाती है, और आपके कंप्यूटर में भी एक प्रोग्राम ऐसा है जहां पर आप पॉज ब्रेक की को इस्तेमाल करते हैं। चलिए वो जान लेते हैं प्रोग्राम कौन सा है। तो दोस्तों वो प्रोग्राम है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में पॉज ब्रेक कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमांड जिसका नाम है ट्री। ट्री दबाने के बाद में आपके फोल्डर में जितनी फाइल्स होंगी, जितने सब फोल्डर होंगे, उनकी एक लिस्ट जनरेट होकर आएगी कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पर ट्री टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे ये लिस्ट लगातार स्क्रॉल किए जा रही थी जब तक कि ये पूरी ख़त्म नहीं हो गई। लिस्ट आपके सामने आई थी, इसको स्क्रॉल होने से आपको बीच में ही रोकना है या बीच में ही इस प्रोग्राम के फंक्शन को पॉज करना है, तो आप पॉज ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग जाते हैं विंडोज़ के फोल्डर में, तो यहाँ पर मैं कमांड देके बाहर जाता हूँ और टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर हमने सीडी विंडोज़ टाइप किया ताकि हम विंडोज़ फोल्डर के अंदर चले जाएं, और यहाँ पर हम लगाएंगे ट्री कमांड को। एंटर करते ही आप देखेंगे स्क्रॉलिंग शुरू हो गई है। अब हमें बीच में इसे रोकना है, तो बस आप पॉज ब्रेक लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्क्रॉलिंग चल रही थी वो अचानक से रुक गई है, जो ट्रीज कमांड आगे रन कर रही थी वो रुक गई है। और अगर ट्री कमांड को आपको यहीं पर रोकना है तो आप कंट्रोल के साथ में पॉज ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए, जो ट्री कमांड है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एंड हो गई और आप आ जाएंगे दोबारा से वहीं विंडोज़ वाले फोल्डर पर। तो इस तरीके से काम करती है पॉज ब्रेक, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड की माउस कीज़ के बारे में। अगर कभी काम करते करते आपका माउस ख़राब हो जाए तो कैसे आप केवल कीबोर्ड की सहायता से अपने पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं?
तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, देखें हमारे कीबोर्ड में माउस के वो सारे बटन्स होते हैं जिससे आप अपना माउस चला सकते हैं। इन बटनों को बोला जाता है माउस कीज़। अब माउस कीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास माउस पहले से है ही और बाज़ार में भी बड़े आराम से मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये माउस की अभी से हमारे कीबोर्ड में नहीं है, ये उस समय से है जब हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो इतने बेहतर नहीं होते थे। उस समय कुछ इस प्रकार के कंप्यूटर होते थे जिनको टर्मिनल कहा जाता था, और इस कंप्यूटर में होता था एक वीडियो जिसे आप मॉनिटर भी कह सकते हैं, और दूसरा होता था कीबोर्ड। यहाँ पर माउस तो होता ही नहीं था। अब इसमें अगर आपको माउस चलाना हो तो आपको ज़रूरत पड़ती थी माउस की। अब क्योंकि माउस सभी जगह अवेलेबल है तो अब किन जगहों पे आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं? जहाँ पर आपको बेहतरीन ड्राइंग्स बनानी हो, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ऑटोकैड है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि माउस को पकड़ने में अक्षम होते हैं, उन लोगों को माउस की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी जगह पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जैसे बस में बैठ के जा रहे हैं या प्लेन में बैठ के जा रहे हैं और जहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो अब वहाँ पर भी आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं माउस से बेहतर। या फिर आपका माउस है ही नहीं या ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो भी आप माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड से आप माउस कैसे चला सकते हैं, उसके कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कीबोर्ड से माउस की को एक्टिवेट कैसे करते हैं या अनेबल कैसे करते हैं। तो आपको दबाना है अपना लेफ़्ट साइड का ऑल्ट और शिफ्ट बटन, और उसके साथ में आपको प्रेस करना है नमलॉक को। जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक बीप की साउंड होगी और यहाँ पर आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा डू यू वॉन्ट टू टर्न ऑन माउस कीज़, तो यहाँ पर आपको करना है येस। और जैसे ही आप येस करेंगे तो नीचे देखेंगे टास्क बार में, यहाँ पर एक माउस की का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा डबल क्लिक करके देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। जब हमने माउस की एक्टिवेट की तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये अनेबल हो गया। इसके नीचे यहाँ पर जो शॉर्टकट है कीबोर्ड का, अगर बाई चांस आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से टिक हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई गेम खेलते समय या कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ करते समय आपकी माउस की अनेबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है पॉइंटर स्पीड, जिसमें कि टॉप स्पीड दी गई है और एक्सेलरेशन दिया गया है, और इन दोनों को आप अपनी मर्जी के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है होल्ड डाउन कंट्रोल टू स्पीड अप एंड शिफ्ट टू स्लो डाउन। इसका मतलब ये है कि आप अपने कीबोर्ड की कंट्रोल और शिफ्ट की से अपने माउस की स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यूज़ माउस की व्हेन नमलॉक इज़ ऑन और ऑफ। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपको बड़ा सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि माउस की एक्टिवेट तब रहेगी जब नमलॉक ऑन होगा, और अगर नमलॉक ऑन होते समय माउस की एक्टिवेट रहेगी तो आपके जो नंबर की के बटन हैं वो काम नहीं करेंगे। तो इसमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर ऑफ को चूज़ करें, क्योंकि अगर आपका नमलॉक ऑफ रहेगा तो आप नंबर बटन पर काम नहीं कर पाएंगे, और अगर ऑन कर देंगे तो माउस की अपने आप डिसेबल हो जाएगी और आप नंबर की का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ से हम इसे ऑफ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे अप्लाई कर देते हैं। अब चूँकि माउस की अनेबल हो चुकी है तो हमारे कीबोर्ड का जो नमलॉक पैड है वहाँ से ये काम करेगी। अब आपको यहाँ पर गौर करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर नमलॉक ऑफ करने पर माउस की को एक्टिवेट किया था, तो आपका नमलॉक ऑफ है या नहीं। तो अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। अब आप देखिए कि आपके जो बीच के सारे नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर आपके माउस के कर्सर को मूव कराने के लिए हैं। अगर हम 8 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जो है ऊपर की तरफ जाएगा, अगर 2 प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, अगर 4 प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर लेफ्ट में जाएगा, और 6 प्रेस करते हैं तो राइट में जाएगा। अब जो बाकी के कॉर्नर्स हैं उनमें कैसे जाएगा? जब आप 9 प्रेस करेंगे तो कर्सर ऊपर भी जाएगा और राइट में भी जाएगा, और 7 प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऊपर जाएगा और लेफ्ट में जाएगा। इसी तरीके से 1 और 3 भी काम करते हैं, यानी ये नीचे जाएगा और लेफ्ट में जाएगा, और 3 प्रेस करने पर ये नीचे जाएगा राइट में जाएगा। तो ये जो सारे एंगल्स हैं आप माउस को बड़े आराम से यहाँ पर चला सकते हैं। किसी भी बटन को दबाने की कोई ड्यूरेशन नहीं है, आपको जहाँ माउस ले जाना हो आप बड़े आराम से वहाँ पर ले जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि माउस में 2 क्लिक होती हैं, एक लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक। अब लेफ्ट और राइट क्लिक यहाँ पर कैसे काम करती है ये भी समझ लेते हैं। तो आप नीचे देखिएगा आपके माउस के आइकन में जो राइट साइड वाला बटन है वो डार्क है। अब आपके कीबोर्ड के नमपैड के ऊपर 3 बटन दिए होते हैं, पहला ऑब्लिक का, दूसरा स्टार का और तीसरा माइनस का। जब आप ऑब्लिक को प्रेस करते हैं तो ये जो की है वो बदल जाती है और राइट से लेफ्ट में आ जाती है, और जब आप माइनस की को प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट से राइट में आ जाती है। तो आप इन दोनों कीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका जो 5 नंबर वाला बटन है वो काम करता है आपका क्लिक करने का। तो अगर हमें ये फोल्डर ओपन करना है तो हमें लेफ़्ट क्लिक करनी होगी, क्योंकि हम डबल क्लिक करने के लिए लेफ़्ट की का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आप माउस की को ले जाइए अपने फोल्डर पर, और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन आपका होना चाहिए लेफ़्ट क्लिक पे।
अब आप 5 बटन को दो बार प्रेस कीजिए और आपका देखिए फोल्डर ओपन हो गया। अगर आपको सिंगल क्लिक करना है किसी फोल्डर या आइकन पर तो आपको 5 प्रेस करना है, तो इसे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको डबल क्लिक करनी है तो आपको प्लस बटन को प्रेस करना है। लेकिन ये करना कब है, जब आपके माउस की में जो डार्क एरिया हो वो लेफ्ट बटन पर हो। अब इस बटन को हम चेंज कर लेते हैं। आप देखिए कुछ इस तरीके से अब जो एरिया है वो बदल गया है, अब वो जो बटन है जो प्रेस होगा वो राइट की जगह लेफ्ट में आ गया। अब जब भी आप 5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप रीनेम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे टफ काम आपको करके दिखाते हैं माउस से कि किसी भी चीज़ को आप कैसे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एमएस वर्ड की एक फाइल है और मुझे ड्रैग करके ये न्यू फोल्डर 2 में ले जानी है, तो मैं इसे कैसे ले जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो माउस की क्लिक्स हैं उनको चेंज करूँगा, उसको मैं लेफ्ट क्लिक पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अपने माउस की से इस फाइल पर जाऊँगा और यहाँ से 5 बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके बाद अब मुझे इसको पकड़ के ले जाना है। जैसे आप माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके और इसको ड्रैग करके ले जाते हैं, तो आप 0 बटन को प्रेस करेंगे एक बार तो ये जो फाइल है वो लॉक हो जाएगी आपके माउस के कर्सर के साथ में। अब आप इसे जहाँ भी ले जाना चाहें अपने कीबोर्ड की सहायता से ले जा सकते हैं, और जिस भी फोल्डर में आप इसे ड्रैग करके छोड़ना चाहें वहाँ ले जाकर आपको सिंपल प्रेस करना है अपने नम लॉक का जो पॉइंट बटन होता है वो। तो एक बार में जो आपकी फाइल है वो आपके फोल्डर में चली जाएगी। फोल्डर को हम 5 बटन से प्रेस करके ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पर वो फाइल आ गई है। तो ये जो सारा काम हमने किया है यहाँ पर, ये किया है कीबोर्ड की मदद से, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए हैं वो सारे 15 बटन्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर दिए गए F1 से लेके F12 तक की कीज़ के बारे में। इन कीज़ को फंक्शन की कहा जाता है और ये बहुत उपयोगी होती हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप एक एक्सपर्ट की तरह अपने कंप्यूटर पर अपनी कमांड कर सकते हैं। तो आपके कीबोर्ड में कुल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं और ये 12 फंक्शन कीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन 12 फंक्शन कीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल, कैसे आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड का और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं F1 की। F1 की सभी सॉफ्टवेयर्स में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास MS Word ओपन है और हम यहाँ पर सिंपल F1 की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि MS Word की जो हेल्प है वो ओपन हो गई है। इसी तरीके से अगर आप Google Chrome ब्राउज़र में और यहाँ पर अगर आप F1 प्रेस करते हैं तो आप Google Chrome के हेल्प सेंटर में पहुँच जाएंगे। लेकिन Microsoft Windows का हेल्प सेंटर खोलने के लिए आपको विंडोज़ बटन के साथ में F1 की को प्रेस करना होगा और Microsoft Windows का जो हेल्प सेंटर है वो ओपन हो जाएगा, जो भी विंडोज़ आपके सिस्टम में आपने इंस्टॉल कर रखी होगी। इसके अलावा F1 की का उपयोग जिस समय आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उस समय CMOS में एंटर करने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं F2 की की। F2 की का उपयोग किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड फाइल को झट से रीनेम करने में। किसी भी फाइल को रीनेम करना होता है तो आप जनरली आप उस पर राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पर जाते हैं, लेकिन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइल को सिलेक्ट कीजिए, F2 प्रेस कीजिए और झट से उसे रीनेम कर दीजिए। एक साथ भी अगर आपको सारी फाइलें रीनेम करनी हो तो सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस कीजिए और कुछ भी अगर आप वहाँ पर नाम देंगे और एंटर करेंगे तो सारी फाइलें एक साथ में रीनेम हो जाएंगी। F2 की का MS Excel में बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है। अगर आपको पहले से टाइप की हुई किसी सेल में उसके पीछे कुछ टाइप करना है तो आप F2 की प्रेस करके ही टाइप कीजिए। यहाँ पर आप देखिए दोनों सेलों में माई ब्रिगेड लिखा हुआ है। पहले सेल में हम माई ब्रिगेड के पीछे .com और लगाना चाहते हैं, तो अगर हम बिना F2 की प्रेस किए यहाँ पर .com लगाते हैं तो आप देखेंगे माई ब्रिगेड हट गया है और केवल .com आपको डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे सेल में पहले F2 की प्रेस करेंगे और फिर .com लगाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर वो जो टेक्स्ट है उसके पीछे आ गया है। इसके अलावा MS Word और Excel में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो सिर्फ आप Alt और Control के साथ F2 को प्रेस कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट विंडो है वो ओपन हो जाएगी और आप वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे MS Word इस्तेमाल करते हों या Excel इस्तेमाल करते हों, कंट्रोल के साथ में अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो आप सीधे सीधे प्रिंट प्रीव्यू विंडो पर पहुंच जाएंगे और यहां से आप प्रिंट प्रीव्यू देख पाएंगे। अब बात करते हैं F3 फंक्शन की। तो सबसे पहले F3 का यूज़ कर लेते हैं MS Word में। यहां पर केस चेंज करने के लिए F3 का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ को या लाइन को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर आप F3 के इस्तेमाल से अपनी किसी भी लाइन या लेटर का केस चेंज कर सकते हैं, उसे कैपिटल में, स्मॉल में बड़े आराम से बदल सकते हैं। अगर आप विंडोज़ में कहीं भी F3 प्रेस करते हैं तो आप विंडोज़ के अंदर सारी फाइलों को बड़े आराम से सर्च करा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ कॉर्नर में सर्च बॉक्स में आपका जो कर्सर है वो आ गया है, बस आपको कुछ भी टाइप करना है और वो जो सर्च है वो शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको इंटरनेट के किसी पेज पर कुछ सर्च कराना है तो आप F3 प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बॉक्स दिखाई दे जाएगा, बस आपको कोई भी शब्द टाइप करना है और यहाँ पर आप देखेंगे वो शब्द कितनी बार इस पेज में इस्तेमाल किया गया उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों बटन्स की सहायता से आप उन सभी शब्दों पर सीधे सीधे पहुँच सकते हैं। आप देखेंगे वो जो लेटर आप ऊपर टाइप करेंगे वो यहाँ पर हाईलाइट होने लग जाएंगे।
अब बात करते हैं F4 फंक्शन की अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का एज इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो F4 फंक्शन की से आप सीधे सीधे अपने एड्रेस बार में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने विंडोज़ एक्सप्लोर में हैं वहाँ भी F4 फंक्शन की आपको आपके एड्रेस बार में ले जाती है और यहाँ पर आप कोई भी पाथ बड़े आराम से टाइप कर सकते हैं और वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप ऑल्ट के साथ में F4 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो आप बिना क्लोज़ किए विंडोज़ को F4 की से क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है और आप अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं तो फिर दोबारा से ऑल्ट के साथ F4 की को प्रेस कीजिए और आपके सामने एक शट डाउन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप शट डाउन, हाइबरनेट, स्लीप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करके सीधे यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं बिना स्टार्ट मेन्यू पर जाए। अब बात करते हैं F5 फंक्शन की। इसका इस्तेमाल विंडोज़ में और इंटरनेट पर रिफ़्रेश करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी भी पेज को रिफ़्रेश या रीलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आप F5 को प्रेस कीजिए और कोई भी पेज आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। इसी तरीके से विंडोज़ में जब आप रिफ़्रेश करते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ F5 प्रेस करना है और आप रिफ़्रेश कर पाएंगे। MS वर्ड में F5 प्रेस करने पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसी तरीके से अगर आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो F5 प्रेस करने पर वहाँ पर स्लाइड शो रन करने लगता है। अब बात करते हैं F6 फंक्शन की। अगर आप गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं और आपको जाना है इनके एड्रेस बार में तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं F6 फंक्शन की को और आप सीधे सीधे एड्रेस बार में जा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने MS वर्ड की दो फाइलें एक साथ ओपन कर रखी हैं और आपको दोनों फाइलों को एक एक करके देखना है तो आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में F6 की को और आप दोनों फाइलों को एक एक करके देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से MS Excel में भी अगर आपने दो फाइलें ओपन कर रखी हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और F6 की सहायता से आप दोनों फाइलों को देख पाएंगे। अब बात करते हैं F7 की। तो अगर आप MS Word इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप MS Word में इंग्लिश में टाइप करते हैं और अपने किसी भी शब्द के लिए रिलेटेड शब्द खोज रहे हैं, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग लिखा हुआ है और बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ हम और शब्द खोजना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F7 की को प्रेस कीजिए और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रिसर्च बॉक्स खुल जाएगा और बिल्डिंग से रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउस, शॉप, बिल्ड इत्यादि। इसके अलावा F8 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ को जब आप इंस्टॉल करते हैं उस समय वहाँ पर बूट कराने के लिए F8 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं F9 की। F9 की का इस्तेमाल किया जाता है MS Word की किसी भी फाइल को रिफ़्रेश करने के लिए। कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। MS Word में सम फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर 5 और 3 को आपको जोड़ना है या और भी कोई संख्या लिखी हो उसको जोड़ना है तो आप टेबल के सबसे नीचे वाले सेल में जाइए, यहाँ पर आप लेआउट पर जाइए, कॉर्नर में आपको फार्मूला का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको फार्मूला पहले से लगा हुआ मिलेगा सम अबव का, इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये सम तो हो चुका है लेकिन अगली बार जब हम यहाँ पे कोई चेंजेस कर देते हैं, जैसे 5 की जगह 4 कर देते हैं, तो ये ऑटो रिफ्रेश नहीं होता है। यहाँ पर F9 का यूज़ किया जाता है इस फॉर्मूले को रिफ्रेश करने के लिए। वो कैसे करते हैं, आप नीचे वाले जो 8 लिखा है उसको सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से और सिर्फ F9 प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे जो फार्मूला है वो रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं F10 की। F10 अगर आप प्रेस करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आप उसका मेन्यू बार ओपन कर सकते हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन है और इसका अगर मेन्यू बार हमें ओपन करना है तो हम सिर्फ F10 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मेन्यू बार हाईलाइट हो जाएगा और डाउन एरो की मदद से हम इसका मेन्यू बार ओपन कर पाएंगे। अगर आप MS Word या Excel में काम कर रहे हैं और आप F10 प्रेस करते हैं तो वहाँ पर F10 प्रेस करते ही आपके जो भी रिमेन है या मेन्यू है उनके ऊपर कुछ लेटर्स हाईलाइट हो जाएंगे और कीबोर्ड से उन लेटर्स को प्रेस करने पर वो मेन्यू या रिमेन में से वो टैब ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑफिस बटन है उस पर F लेटर हाईलाइट है और अगर हम F प्रेस करते हैं तो जो मेन्यू बार है वो ओपन हो गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो रिव्यू टैब है या व्यू टैब है उन पर भी लेटर हाईलाइट्स हैं। इंसर्ट टैब पर N लेटर हाईलाइट है और अगर हम N प्रेस करेंगे तो जो इंसर्ट का जो पूरा रिबन है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ भी आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे पिक्चर के लिए P और टेबल के लिए T, और T प्रेस करने पर आप बड़े आराम से टेबल को ओपन कर पाएंगे और आप देखेंगे टेबल में भी कुछ लेटर्स हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप F10 की के इस्तेमाल से अपने MS Word या Excel में भी बड़े आराम से काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं F11 फंक्शन की। ज़्यादातर ब्राउज़र में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कोई वीडियो देखते हैं सिंपल हम F11 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे जो ब्राउज़र में ऊपर ऑप्शन आ रहे थे जैसे कि एड्रेस बार और भी कई सारी चीज़ें हैं वो वहाँ से चली गई हैं और दोबारा F11 प्रेस करने पर हम पुरानी वाली स्थिति पर आ जाते हैं।
लेकिन अगर आप एम एस एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप झट से चार्ट बनाना चाहते हैं किसी भी टेबल का, तो आप सिंपल टेबल को सेलेक्ट कीजिए और F11 की को प्रेस कीजिए। एक सेकंड के अंदर आप उस टेबल का चार्ट बना पाएंगे। अब बात करते हैं F12 की, और ये भी बहुत सारे फीचर्स लिए हुए हैं। अगर आप सिंपल F12 प्रेस करते हैं अपने MS Excel या Word में, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपने फाइल सेव नहीं की है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेव का ऑप्शन। और अगर आप कंट्रोल के साथ में MS Word में F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा नई फाइल ओपन करने का ऑप्शन। और अगर आप MS Word और Excel में शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में F12 को प्रेस करते हैं तो आ जाएगा प्रिंट का ऑप्शन, जिसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना पड़ता है, या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माय बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं, और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।